जनता को मुमरा कौन सके लोगों को तकलीफ है। अभी आपने रैली निकाली तो देखिए यहाँ पे लोग आके खड़े, उनसे क्या अपील करेंगे आपके देखने मैं के सभी सभी लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग निकले रोड पे, क्योंकि जब तक निकलेंगे नहीं टोवन पावर जाएंगे नहीं यहाँ से। आसिफ भाई भी हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़े हुए समाज सेवक, क्या कहेंगे आप? भाई मैं मुमरा कोसा की आवाम से ये अपील करूंगा कि पिछले 7 दिनों से हमारे मुमरा कोसा के हमारे कुछ भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं और 2 भाई तो उसमें से एडमिट भी हुए, तो ये हम मुमरा कोसा की आवाम को शर्म आना चाहिए इस बात को लेकर के कि टोरेंट पावर जो है सिर्फ उनकी परेशानी या उनकी तकलीफ नहीं है, ये पूरे मुमरा कोसा की परेशानी है। और आज अगर उन लोग भूखे प्यासे अगर वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो ये हमारे लिए बैठे हैं, हम सभी का ये पूरा फर्ज है। हम सब अपनी अपनी पार्टी को साइड में रख करके इस मोर्चे में शामिल हुए सिर्फ मुमरा कोसा की आवाम बन करके। टोरेंट पावर चोरे। नहीं भाई, आज आपकी भूख हड़ताल का 7वां दिन है और जिस तरह से मुमरा की आवाम आज सड़कों पे भी आई, ये क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। देखिए जैसा कि खबरें चल रही थी कि आज यानी संडे का दिन है, 7 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पे हैं,
आवाम समर्थन करेगी। और आवाम ने आपने देखा होगा कि रोज़ हज़ारों की तादाद में रोज आते थे, टुकड़े टुकड़े में आते थे, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग हमको मिल के जाती थी। तो आज संडे का दिन जैसा था कि आवाम आएगी, आज दिख रहा है अब मॉब आना शुरू हुआ है। ये तो अभी पहला मॉब आया है, मुझे ऐसा भी पता चला कि और भी मॉब पीछे से निकला है, कुछ मॉब यहाँ से निकला है, वो मैं भी देख रहा हूँ। जैसे कि अभी एक आपके साथी और बीमार हो गए थे, अभी मुमरा सीनियर पे आए कोलटकर जी आए थे तो उनको लेके गए थे वापस, आपके साथी पीछे बैठे हुए, उसके ऊपर आप क्या समझेंगे? देखिए कि जैसे कि हम लोगों ने कहा था हम बेमुद्दत भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हमारे दो साथियों की तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको यानि डॉक्टरों ने सीरियस यानि इन्फेक्शन वगैरह बताए, तो उस वजह से उनको एडमिट करना पड़ा। अभी वो वापस आए हमारे साथ यानी उपवासन में जुड़े। फैयाज भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जैसे भूख हड़ताल से मैंने 7 दिनों से की है, अब तक प्रशासन ने इस पर कोई गौर नहीं किया, इनके कुछ मुद्दों पर अभी तक कुछ बात नहीं हुई अधिकारियों से, तो इस पर MIM पूरी पार्टी क्या करे, महाराष्ट्र में MIM पार्टी? देखिए प्रशासन का काम है हर चीज़ पे गौर नहीं करना, हमारा काम है मोबाइल पीछे देना भाई। हम जो प्रश्न है मुमरा कलवा दीवा का, ये प्रश्न के लिए बैठे हैं आप, जो सवाल साहब पठान खान शुरू उठाया है वो सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है जो जनता को हट करता है, जनता को इफेक्ट करता है। तो मैं पूरी पार्टी और साहब पठान के साथ में है और हम ये चाहते हैं कि इनकी ये सोच को ये माने ये लोग और उसके ऊपर अमल करें आप। भूख हड़ताल से यदि सर भैया जी यहाँ पर कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो आज हजारों की तादाद में लोग जमा है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं फैयाज जी आप? देखिए आज 7वां दिन है, ना हम डरने वाले ना घबराने वाले, हमारा सवाल है और सवाल के साथ हम खड़े रहेंगे और ये जनता का सवाल है और जनता जो चाहती है बात हम करते हैं और ये सवाल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सवाल के जवाब इनको देने पड़ेंगे। वो क्या करते हैं उनका लुकआउट है, हमारा लुकआउट है सवाल को उठाना, उसके खिलाफ लड़ना। जैसे कि मुमरा शहर के अंदर इतनी घनी आबादी तो उसी के अंदर सारी पार्टियां जुड़ गई थी एक पार्टी को छोड़कर, अब उसके बाद में मस्जिद के इमाम उलमाओं क्यों नहीं अभी तक शामिल हो पाए? देखिए मैं तो कल भी आया था यहाँ पर, मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से उनमें जिन्हों को देखा कि आगे पसरी तौर पर मिल के गए यहाँ पर और आज शाम को फिर वो लोग आएंगे, तो ये कहना गलत बात है कि कोई साथ में नहीं है, हर तबका हर सोसाइटी। हमने ये नहीं कहा कि कोई साथ में नहीं, हमने ये कहा सारे समाज के लोग आ गए आपके इस भूख हड़ताल में और कुछ उलमाएं बाकी हैं, आप उनको कैसे आपके धरने में बोले? देखिए कैसा है कि ये सवाल का जवाब फैयाज भाई कैसे दे सकते हैं 7 दिन से तो मैं यहाँ जी जी, तो आप सैफ भाई दूसरा आपसे रहेगा, जैसे आने वाले 2 या 3 दिन से रमजान चालू हो रहे हैं तो रमजान में आपकी भूख हड़ताल जारी रहेगी, इसको आगे के लिए पोस्टपोन किया जाएगा? देखिए जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग यानी भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं हुई जब तक, तो अगर ये रमज़ान भी लग जाएगा तो देखेंगे, हम लोग नहीं तोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, हम रमज़ान में भी रहेंगे, हमारी मांगनी जब तक पूरी नहीं होती हम यहाँ। फैयाज जी अगला कदम इस भूख हड़ताल के बाद क्या होगा MACDL के खिलाफ, टोरेंट के खिलाफ? देखिए जहाँ तक कदम की बात है वो हम नहीं जानते क्या कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम अपनी बातों पर एग्रीमेंट है और अपना जो मांगे हैं उसमें हम कायम दायम है और जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी जब तक हम बैठेंगे यहाँ। यदि नहीं मानी गई तब क्या करेंगे, भूखे कब तक बैठे रहेंगे? देखिए मेरा बस के बाद कोर्ट का एक मार्ग है, वहाँ पे हम जाएंगे, देखिए हमारी बातें मानी जाएंगी, हमको विश्वास है। मजलिस मुस्लिमीन की जानिब से शहर के आवाम के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि अगर हम इसको क्रॉस में ना लें आप लोग तो ये कड़वी हकीकत है कि 12 लाख की आबादी में जो आवाम यहाँ पे उतरी है वो उसने बेहिसी का मुजाहरा किया है, तो उसको क्या कहेंगे आप, इसमें आप कोई दो राय नहीं है इसके बारे में? मैं आपके सब दोस्तों में इख्तलाफ रखता हूँ कि बेसिक मुजारा नहीं है, हर फर्द जाके पूछ लीजिए आप, हर आदमी परेशान है, परेशान जरूर है फैयाज भाई लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। नहीं नहीं मेरा बिल्कुल, यहाँ का जो तबका है गरीब तबका है, रोज कमाने खा जाता है बम्बई और फिर बम्बई से शाम को लौट कर आता है, तो कैसे आप तबका करते हो कि उनसे कि ये आकर बैठेंगे, वो लोग आते हैं मिलते चले जाते हैं और यहाँ पे धरना कर रहे हैं ना, हमारी तादाद तो मुनसर नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारी बात माननी पड़ेगी, पब्लिक का सपोर्ट हमारे साथ में, हमारा
सब सुसाइड लेटर आ रहे हैं यहाँ पर, 50 हमारे कंसर्न आ चुके हैं अब तक ना, जो हमको सपोर्ट कर रही है सोसाइटीज वगैरह। फैयाज जी, मुमरा शहर को आपने कितने सालों से देखा और इस भूख हड़ताल में आपको क्या सीख मिली, क्योंकि सारे के सारे सोसाइटीज के, यहाँ के लोग, पार्टीज के सब जमा देखा, आपने क्या महसूस किया उसमें? देखिए भाई, मुमरा शहर मेरी आंखों के सामने बना है, ये बम्बई शहर का मजमुआ है। यहाँ पर भिंडी बाजार भी है, मदनपुरा भी है, काला पानी भी है, डोंगरी भी है, गोइंडी भी है, धरावी भी है, चीता कैंप भी है, मालनी भी है, बांद्रा भी है, जोगेश्वरी भी है। इन सब लोगों को लेकर ये मुमरा शहर बसा है। तो ये मजमुआ है और मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने परवान चढ़ा है। तो यहाँ पर मेरे ही लोग रहते हैं और वो लोग आज परेशान हैं ट्रोन की वजह से, और ये बेवजह का एक एलिगेशन लगा रहे हैं। आपने जब मीटर दिया तो सर्टिफाई कॉपी देना आपका फर्ज बनता है, और वही तो मांग कर रहे हैं कि सर्टिफाई कॉपी दो हमको अपना, और मीटर निकालने लगाने से पहले आपको हमसे पूछना चाहिए। आप मीटर बदल रहे हो, ये कौन तरीका है आपका? और बकाया रकम मांग रहे हो आप, ये कौन तरीका है मेरा भाई? अगर पैसा मांगना है जाके अडानी से मांगो ना आप, हाँ ये लोगों से मांगो जो करोड़ रुपये लेके बैठे हैं लोग। आज गरीब को चूसना, गरीब को नोचना, गरीब को बर्बाद करने का आपने ठेका ले रखा है। यहाँ का इंसान तो गरीब है, कमज़ोर है, रोज़ाना कमाने के लिए जाते, बम्बई जाता है, कोई थाना जाता है, कोई भिंडी जाता है, कोई कल्याण जाता है, फिर कमा के शाम को लौट कर आता है, अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल है, उस पर मीटर निकाल रहे हैं आप, और मई जून का महीना शुरू होने जा रहा है। तो मेरा भाई, आज के टाइम पे इनमें दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, नहीं है ना, हम भी तुमसे आजमाएंगे।